पर ये शेज़ ने और हमने बनाया है, ये शेज़ ने फ्राई करे जो आपके कॉर्नर निकले थे उसी एजेस से मैंने बनाया और बहुत जबरदस्त है व्यूअर्स। ये हमने पानी लगाना है इसके चारों तरफ करनी है, बस वन टेबल स्पून के करीब करीब जी, बस ऐसे रखना है ठीक। और फिर दूसरा पीस भी हमें ये करना है, हमने नीचे वाले पे तो लगाया है पानी ठीक, इसको ठीक है। और बड़ी यूनिक सी रेसिपी होने वाली है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम कुकिंग विद हस्बैंड, मैं हूं शेज और ये हूं हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे। अपना टाइम बचाते हैं, शेज से पूछते हैं, शेज आज हमारे किचन में क्या हो रहा है? आज हमारे किचन में यूनिक सी रेसिपी बन रही है, टाइम बचाते हुए ब्रेड से हम बना रहे हैं बहुत जबरदस्ती रेसिपी, ताकि ना आटा आप लोगों को गूंदना पड़ेगा ना कुछ, और बस ये बनाएंगे और रमजान में एंजॉय करेंगे। तो शेज ये तो फिर आसान हो जाएगा, आटा नहीं गूंदना कुछ भी नहीं है जी। बस हम आपको बता देंगे, ये मैंने 3 आलू लिए व्यूअर्स, ये बॉईल कर लिए शेज जी, मैंने बॉईल करके मैश कर लिए ठीक। और ये 1 बड़ी प्याज ली है, उसको फाइन चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक। ये हरी धनिया की आधी कट्टी ली है मैंने, 1 अंडा लिया है, और ये मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिए, और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। अच्छा, धनिया को ना मैंने बिल्कुल बारीक फाइन कर लिया है, क्योंकि जब बच्चे खाते हैं ना मुंह में आता है तो परेशान होते हैं, तो इस तरह अगर फाइन कर लेंगे ना बिल्कुल बारीक, जैसे जीरे को हम लोग पीसते हैं उस तरह कर लेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर, चिली फ्लेक्स लिए ठीक ठीक, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया, 1 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया। अच्छा, इस स्टेज पे लोग हरी मिर्चें बारीक बारीक करके काट के डालते हैं, अगर हम ये पेस्ट डाल देंगे ना तो बहुत अच्छा जी, मुंह में भी नहीं आएगा और बच्चे शौक शौक से खा लेते हैं। अच्छा, ये मैंने ब्रेड लिए, तो ये भी हुसैन आपको करके दिखाएंगे। अच्छा, ये हमने रेडी करके रखी हुई है बहुत सारी, आपको एक बताना क्या है, ये आपने सिंपली इसको लेना है और इसको हाथों से थोड़ा सा बेलना है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा, ये मैं आपको एक और इसकी बात बताऊंगा, पॉकेट शोरबा के लिए था हमने, हाँ ये बस आपने ये करना है आराम से, इसको किसी भी शार्प चीज से, किसी से कोई गिलास ले लें, किसी चीज से भी आप लोग कटिंग कर लें इसकी। चले देखिए, ये इस तरह बन जाएंगे आपके, और ये भी हम लोग जाया नहीं करेंगे, इसका भी मैं आप लोगों को ब्रेड क्रम बना के सिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये किस तरह फटाफट से ये हम लोग जाया नहीं होंगे और किस तरह हम लोग आराम से बना ले, इसके जो साइड के चीज है ये जाया नहीं होंगे, ये जाया नहीं होते इनको। चले मैं आपको बता, देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, और मैंने मैं जी मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है इसके अंदर ठीक है, और ये मैंने अदरक लहसुन डाला है इसके अंदर थोड़ा सा, जो मैंने आपको 1 टेबल स्पून बताया था, थोड़ी सी फ्लेम टेस्ट कर सही, इसका कच्चापन मान रहा है बस जी, थोड़ा सा हमने ये करना है, कितना, 1 मिनट बस, सिर्फ 1 मिनट से 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं ना जी। इसके बाद क्या है शेफ? बस ये हमने 1 मिनट काट के उसमें ये प्याज डाल देंगे, ये फाइन की थी ना हमने बिल्कुल बारीक से ठीक, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है हाँ, और ये पता भी जल्दी प्याज है जी, क्योंकि एक तो बिल्कुल फाइन की भी है तो वो महसूस नहीं होती। क्या करना है इसमें? ये हमने इसके अंदर ये मसाले बनाए हैं, ये सारे मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये डालते हैं सारे एक साथ डाल दें इसमें जी, थोड़ा सा पानी देते हैं ताकि हमारे मसाले जले नहीं और कुकिंग ब्लैक ना पड़े हमारे, बस इस स्टेज पे हमने थोड़े से डाल के बिल्कुल हल्का सा 1 टेबल स्पून जी बस इसके अंदर डालना है ठीक, और बस इस स्टेज पे हमने ये हरी मिर्च भी डाल देते हैं जो हमने चॉप करी है जी ठीक है, ये हमारा बहुत अच्छा सा जबरदस्त सा मसाला बन गया जबरदस्त, और इसको आप लोग बना के 1 महीने रख भी सकते हैं प्रेस के अंदर बना ले, 10 सेकंड करने के बाद कच्चापन खत्म हो गया मसालों का, तो फिर हमने ये आलू के अंदर मिला देना है, और अब हुसैन बस इतना आसान है जी हाँ, हुसैन इसको मिलाएंगे स्टेज पे, फिर हमने हरी धनिया जो बारीक करके रखी हुई थी वो डाल देना है इसके अंदर सही। अच्छा, ज्यादा बारीक भी नहीं करनी है जी, वो जरा सी आती है ना पैक में, ताकि हमने पानी लगाना है इसके चारों तरफ और इसे हमें अच्छे से पैक करना है। अच्छा जी, ताकि ये तलते वक्त ना इसकी फिलिंग कितनी करनी है? बस 1 टेबल स्पून के करीब करीब जी, बस ये ऐसे रखना है ठीक। और फिर दूसरा पीस भी हमें यूं करना है, हमने नीचे वाले पे तो लगाया हुआ पानी ठीक, इसको बहुत अच्छे से यूं करके पैक करना है हमें प्रेशर से, बहुत जबरदस्त बनता है शायद है ये जी, और अगर खुल रहा हो तो फिर दोबारा ऐसा हल्का सा कोडिंग पानी की करते
और बहुत अच्छा इसको दबा दबा के आपने बंद करना है ताकि उस वक्त आपको तंग ना करे। यानी इसको आप अच्छे से प्रेस कर लें तो फिर आपको कंप्लेंट नहीं आएगी ना। हरी चले आपको बताते हैं बाकी सारे करके दिखाते हैं। तो देखें व्यूअर्स ये अच्छे से पैक हो गए बिल्कुल। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे अंडे में डीप करना है। ठीक है। अच्छा डबल कोटिंग नहीं करनी ना शेफ? नहीं बस सिंगल। बस सिंगल। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था ना ब्रेड क्रम्ब ये जो हमारे पीसेस बचे थे एजेस बचे थे से उसी से हमने बनाया। इसको हमने फौरन मिक्सी में कर लिया और मिक्सी में करके हमने इसे तवे पे फ्राई कर लिया। ठीक। और बड़ी यूनिक सी रेसिपी होने वाली है ये। जी बहुत अच्छी बनेगी है। बस ये आपके ठीक है जबरदस्त ये आपके रेडी हो गए। इसी स्टेज पे आप इसे डीप फ्रीजर भी कर सकते हैं। अच्छा एक महीने के लिए आप बता रही हैं। इस तरह आप किसी जिप बैग में रख के और डीप फ्रीजर में रख। चले अब आपको बाकी दिखाते हैं। बिल्कुल जबरदस्त बन गए और ये यूनिक किस्म का है। आपने देखा होगा ब्रेड क्रम बहुत बारीक होते हैं तो ये शेज की थोड़ा सा जी खूबसूरती सी आएगी। आप क्योंकि गेस्ट जब बैठे होते हैं तो एक अच्छा और नहीं आप तारी में रखेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। अच्छा ही चाहिए जी। तो हमारा ऑयल रेडी होता है अभी शेज चेक करती है ऑयल को। जी रेडी है तकरीबन? जी हल्का सा तकरीबन है। अच्छा हमारा ऑयल रेडी होता है तो आपको देखिए व्यूअर्स अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालेंगे ऑयल। अच्छा अगर आप बड़ा पैन ले रहे हो तो उसमें आप दो दो तीन तीन कर लें डीप फ्राई। मेरे पास छोटा है तो मैं इसमें बना रही हूँ। इस वक्त हम आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं फिर बाद में जब चाहिए होगा तो हम इसको बड़ी कढ़ाई में एक साथ निकाल लेंगे। तीन चार इकट्ठा डालते हैं निकाल लेते हैं आराम से। और ये यकीन करें कि आप मेहमान खाएंगे। अच्छा, तो बहुत खुश होंगे। अच्छा इसी तरह की एक रेसिपी हमने पॉकेट शोरमा पॉकेट शोरमा की दी है जो कि तकरीबन इसी तरह का प्रोसेस है लेकिन वो शोरमा है तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वो आप देखेंगे तो वो भी इंशाल्लाह बहुत ही आप देखेंगे कितना क्रिस्पी और कितना जबरदस्त सा बना है। और ये मैंने उन्हीं जो आपके कॉर्नर्स निकले थे उसी एजेस से मैंने बनाया और बहुत जबरदस्त। देखिए व्यूअर्स ये शेज ने और हमने बनाए ये शेज ने फ्राई करे तो बहुत ही जबरदस्त बने। और इसकी आपको मैं दिखाऊं कि ये कितना क्रिस्पी बना है तो ये देखिए आप बिल्कुल क्रिस्पी बना है। और इंशाल्लाह जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह जरूर कमेंट्स करिएगा। कमेंट्स में कंजूसी नहीं करिएगा आप लोग ये तो उसी ताजे ब्रेड से मैंने बनाए क्रम तो, और आप लोग भी बनाएंगे तो इसी तरह आपके भी बिल्कुल बिल्कुल आपको चाहिए तो अपने ब्रेड को जैसे आपके घर में है उसी को आपने मिक्सी में किया और हाथ के हाथ जी आप वैसे भी कर सकते हैं मिक्सी में करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर उनको आपको सेव करना है तो फिर उसको थोड़ी देर चूल्हे पे आपने जी सेक लें तो दोनों में काम। और मैं आपको दूंगी तीनों रेसिपी आपको इंशाल्लाह। तो शायद इसके बारे में क्या कहेंगे आप जी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और नए आने वालों के लिए ये है कि वो कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो इसके बारे में आपने कमेंट्स किएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी इसको शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।